मैं हूँ ज्योति झा और इंडियन फूड विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो अभी सावन का सोमवारी चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोमवारी में फास्ट रखते हैं और इस फास्ट में सोचते हैं कि वो क्या खाए क्या बनाए, ये सोचने में ही उनका समय निकल जाता है। तो चलिए आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप साबूदाना की खीर कैसे बनाए। और साबूदाना जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, पौष्टिक होता है और ये बहुत ही इजी वे में बन भी जाता है। तो आज हम इसे बनाने का तरीका सीखेंगे कि आप इसे इजी वे में कैसे बनाएं। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले इंडियन फूड विद ज्योति को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कुकिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जो साबूदाना का खीर बनाएंगे उसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिया है वो आपको मैं बता देती हूँ। पहले देखिए, 1 लीटर मैंने दूध लिया है, 100 ग्राम साबूदाना है, 100 ग्राम चीनी है और 4-5 इलायची है जिसका मैंने पाउडर बना के लिया है, 10-12 काजू है और 10-12 किशमिश है। और भी आपको अगर ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ऐड करना हो, पिस्ता हो तो आप बादाम जो भी है आप ऐड कर सकते हैं इसमें अपने अनुसार। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये साबूदाना को सबसे पहले इसे धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से, 2-3 पानी से इसे अच्छे से धो लेंगे। अब देखिए, अब मैंने इसे धो दिया है 2-3 पानी से। अब मैं इसमें थोड़े से पानी डालकर इससे थोड़ा 1 इंच ऊपर तक पानी आना चाहिए साबूदाना से। ये मैंने बड़ा वाला साबूदाना लिया है तो अब मैं इसे कम से कम 15 से 20 मिनट फूलने छोड़ दूंगी। तो फूल के ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा और बनाने में भी आसानी होगी। तो लोग कहते हैं कि बहुत किसी का साबूदाना अच्छा नहीं बनता है, कोई बोलते हैं कि उसे साबूदाना का खीर बनाने में वो फट जाता है। तो मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जो आपका साबूदाना कभी नहीं फटेगा और आप अच्छे से इसे बना पाएंगे। तो चलिए अब हम इसे 15-20 मिनट छोड़ देते हैं फूलने के लिए। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा साबूदाना ये फूल के तैयार हो चुका है और ये देखिए इसने सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है और ये देखिए अपने साइज से ये कितना बड़ा हो गया है। और इसमें जो बचा कुचा कसर है ये थोड़ा कच्चा है, ये जब हम इसे उबालेंगे खीर बनाएंगे तो ये उसके साथ में पूरा हो जाएगा। अब हम दूध को गैस पर चढ़ाएंगे। ये दूध मैंने पहले ही उबाल लिया है एक बार। आप कभी भी साबूदाना बनाने के लिए कच्चा दूध नहीं लें, हमेशा उबाला एक बार उबाल कर ही लें। तो अब मैं इसे उबलने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें साबूदाना डालूंगी। अब देखिए हमारा दूध उबल चुका है, अब हम इसमें इस फूला हुआ साबूदाना सारा इसमें डाल देंगे और इसे बार बार चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे लगना नहीं चाहिए, बार बार चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध किस तरह से उबल रहा है, इसे बार बार चलाते रहना है, साबूदाना ऊपर आ रहा है, बस इस तरह ही हमें चलाते रहना है कि ये लगे नहीं बीच में नीचे से। ये देखिए साबूदाना भी पक रहा है, बस इसे और थोड़ी देर चलाना है हमें। अब देखिए, अब ये साबूदाना हो ही चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे, ऐसे थोड़ा सा दबा के देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। इस तरह से दबा के देखिए, ये देखिए ये चिपक रहा है पूरा अच्छे से, ये हो चुका है। तो अब हम इसमें, अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है कि आपका साबूदाना थोड़ा ज़्यादा पड़ गया हो और ये बहुत गाढ़ा हो गया हो तो आप इसको पतला बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा सा गर्म दूध डाल सकते हैं इसमें।
तो ये आपका पतला हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसे गाढ़ा बना देंगे बहुत ज्यादा तो ये बहुत ही गाढ़ा, ये ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि इसे थोड़ा पतला ही बनाना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब देखिए, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैंने इतना सा, ये बड़ा वाला चम्मच से 2-3 चम्मच 4 चम्मच डाला है। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा चीनी डाल सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अभी ये हमारा जो ये ड्राई फ्रूट्स है कटा हुआ, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बस ये थोड़ा देर और खोलेगा, फिर हम इसमें इलायची डाल के उतार लेंगे। ये देखिए हो चुका है, साबूदाना का खीर बनके तैयार है। अब हम इसमें इलायची डालकर बस थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। बस गैस बंद कर देंगे। अभी हो चुका है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये साबूदाना का खीर बनके तैयार है। अब आप इसे ठंडा करके खाइए, फ्रीज में रख के ठंडा होने के बाद ये ज्यादा टेस्टी लगता है। अब आप इसे व्रत त्योहारों में या घर में रोज बना के खाइए और अपने अनुभव मुझे जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।